हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीनियस अप्रोच। मैं हूँ सुप्रिया। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास थर्ड का जो मैथ्स का आपका चैप्टर नंबर 9 है, दैट इज हाउ मेनी टाइम्स। इस पर आज हम देखेंगे समरी। ओके, ऑलरेडी मैंने आपको इस चैप्टर का डेमो प्रोवाइड कर दिया है। इस बार मैंने आपको डेमो पहले प्रोवाइड कर दिया, आपको चैप्टर नंबर 9, 10, 11, 12 इन सब के डेमो मिल चुके हैं। इस बार मैं आपको समरी थोड़ी लेट प्रोवाइड कर रही हूँ। रीज़न ये है कि काफ़ी लोग डिमांड करते हैं कि मैम आप समरी मत दिया करिए या फिर लेट दिया करिए, बट मैंने देखा है बहुत लोग समरी लेना भी चाहते हैं। सो आई थॉट कि क्यों ना समरी को मैम आपको बाद में प्रोवाइड करूँ ताकि आप उसे पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और जिसको समरी पढ़ के डेमो पढ़ना होगा तो वो पढ़ लेंगे। ज़्यादा गैप नहीं हुआ है, 2 से 3 दिन का गैप है खाली। ठीक है, सो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं फटाफट आपको समरीज प्रोवाइड कर दूँ 9, 10, 11, 12 चैप्टर का। इनका डेमो आपको मिल चुका है। ओके, आइए देखते हैं चैप्टर क्या है, समझते हैं पहले प्रॉपरली। हाउ मेनी टाइम्स, ये आपका फेवरेट चैप्टर है जो कि वो है मल्टीप्लिकेशन, जिसके लिए आप काफ़ी परेशान भी होते हैं कि मैम इसका डेमो ज़रूर बताइए, क्योंकि ये पूछा भी जाता है ना। आपने एकदम सही बोला। तो इसका जो चैप्टर का डेमो है ना मल्टीप्लिकेशन, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा था, बट क्योंकि फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको सीरीज वाइज आपको प्रोवाइड कर दूँ। तो आपको ना जब आप प्लेलिस्ट खोलेंगे इस चैप्टर का, दैट इज चैप्टर नंबर सॉरी क्लास थर्ड का, तो आपको उसके आपको उसके डेमो में ना लाइन्स है जिसके 4 पार्ट्स मिलेंगे। ठीक है, मैंने इसके डेमो को आपको 4 पार्ट्स में ब्रेक करके बताया है। पहला है आपका हाउ मेनी टाइम्स का, मतलब मैंने बताया कि क्या इसका सेंस क्या आ रहा है, कैसे मल्टीप्लिकेशन यहाँ से आता है। फिर मैंने कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन बताया है। देन आपका आया टेबल, क्योंकि टेबल के बिना मल्टीप्लिकेशन आप नहीं सिखा सकते। फिर लास्ट में मैंने बताया आपको बॉक्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ मेथड, क्योंकि सारी बातें इस चैप्टर में की गई है। अब आप देख सकते हो 1 से लेकर 22 तक का पेज लिखा है, मतलब 22 पेज का चैप्टर है। तो चैप्टर थोड़ा लेंदी है, बट क्योंकि पूरा कैलकुलेटिव है, पूरा क्वेश्चन है, तो हम फटाफट इसको स्किप करते तो बस समझते हुए चलेंगे। ठीक है, आई वॉन्ट कि आपको एक बार आइडिया जरूर हो जाए कि चैप्टर में प्रेजेंट क्या है, वो आप एक बार देख लें। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या बता रहे हैं, कुछ गोट है, गोट के बारे में बता रहे हैं कि आप देखिए 5 गोट्स प्रेजेंट है और हमें बताना है कि इनके लेग्स पूरे कितने होंगे। ठीक है, अब ऐसे ऐसे एग्जांपल्स आप बच्चों के सामने रख सकते हो डेमो के टाइम में भी, तो बहुत अच्छे एग्जांपल है। आप बता सकते हो कि हाँ जी 4 है, ठीक है, 1 गोट के 4 लेग्स होंगे, तो 4 4 4 जब हम सम करेंगे हमें मिलेगा 20। इस बात को क्या हम ईजी वे में नहीं बोल सकते? ऑफकोर्स बोल सकते हैं। हम बोल सकते हैं 5 times 4, दैट इज कॉल्ड एज वॉट 20। तो हम बोल सकते हैं कि हाउ मेनी टाइम्स है वी हैव 4, हियर वी हैव 5 times 4। बस यहीं से आपका हाउ मेनी टाइम्स का टॉपिक निकल आएगा। इस तरीके से आप आराम से टॉपिक का इंट्रोडक्शन कर सकते हैं। फिर आप बताओगे, क्योंकि जो हमने लिखा है ना, जो हमने टाइम्स के लिए जो सिंबल यूज किया है, दिस इज कॉल्ड एज अ मल्टीप्लीकेशन सिंबल, एंड वी आर गोइंग टू यूज दिस सिंबल वेन एवर वी आर गोइंग टू द रिपीटेटिव एडिशन। जब भी हम रिपीटेड एडिशन करते हैं, इन दैट केस वी आर गोइंग टू यूज अ सिंबल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। आई होप इट इज क्लियर। तो ये बातों को, सारी बातें जितने मैंने आपके सामने अभी बोल गई ना, सारे आप कनेक्ट करेंगे, क्योंकि इसी में पूरा चैप्टर ही बेस्ड है, कुछ भी नहीं, बहुत ईजी है। वैसे देखिए यहाँ पे स्पाइडर्स कितने हैं, पहले बच्चे काउंट लिखेंगे 1 2 3। आप देख रहे हो बुक कितनी इंटरेस्टिंग है। फिर आएगा कि एक स्पाइडर के कितने लगे, बच्चे काउंट करेंगे 2 2 4 7, है ना, 7 है, फिर यहाँ लिखेंगे 7। अब 3 टाइम्स करेंगे, क्योंकि 3 यहाँ पे है स्पाइडर, तो 7 3 21, तो यहाँ बच्चों को मिल जाएगा। एक उन्हें करके ऊपर बताया गया है गोट का, वैसे उन्हें सारे करना है। ऐसे ही ऑक्टोपस का भी बताया गया है। ठीक है, यहाँ पे सेम चीज़ है, उसके लेग्स को काउंट करेंगे कितने ऑक्टोपस है, फिर यहाँ पे बताएंगे। अब आगे मूव करती हूँ मैं, फाइंड द नंबर। ओके, फाइंड द नंबर विदाउट काउंटिंग। अच्छा जी, अब यहाँ पे विदाउट काउंटिंग ये बच्चों को बताना है, कैसे करेंगे वो? तो बिना काउंटिंग का मतलब क्या है, वो 1 2 3 4 ऐसे काउंट नहीं करेंगे कि इसको पूरे काउंट करिए। यही चीज़ यहाँ पे कहा गया है कि यहाँ पे आपको बताना है कि जो फ्लावर बेड बने हैं ऐसे लाइन से, उसमें कितने फ्लावर प्रेजेंट हैं। पहले बच्चे काउंट करेंगे, यहाँ पे है 4 कॉलम्स, देखिए 4 कॉलम प्रेजेंट है। अब एक कॉलम में यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे कितने फ्लावर्स हैं, 6 फ्लावर्स हैं। अब यहीं से आप बच्चों को सिखाओगे कि क्या हो गया इसका मतलब, इसका मतलब यहाँ पे हो गया कि here we have 4 times 6, है ना, बिकॉज here we have 4 columns एंड इन ईच कॉलम वी हैव 6 फ्लावर्स। सो वॉट वी आर गोइंग टू डू, वी विल राइट हेयर दैट वी हैव टू डू वॉट, वी हैव टू डू 4 times 6, दैट विल बी इक्वल टू 4 multiplication 6, दैट इज 24, और ये आपका आ गया सम करके। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन का कंसेप्ट आपने यहीं से बता दिया। सिमिलरली ऐसे यहाँ भी है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे चीजें चेंज हो गई अलग से। फिर आप बताओगे कि यहाँ पे क्या, यहाँ पे हमारे पास 6 रोज हैं जिसमें 6 times 4 होगा, तो दोनों में अंतर है। ठीक है, यहाँ पे था 4 times 6, बट आंसर दोनों साइड से हमें सेम आएगा। तो कहीं ना कहीं ये आपका जा रहा है कॉमेंटेटिव लॉ की ओर, बट अभी बच्चे को आपको ये सब नहीं सिखाना है, मैं आपको इन जनरल बता रही हूँ कि वहां पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से। फिर देखिए बॉटल्स का भी ऐसा एग्जाम्पल है, आई होप अभी आप समझ गए होंगे। पूरा यहाँ तक जो शुरू में चैप्टर है ना,
इतने पेजेस में हाउ मेनी टाइम्स को इंट्रोड्यूस किया गया है। फिर आगे आते हैं, अब प्रैक्टिस टाइम है। यहाँ पे बच्चों के लिए कुछ कुछ क्वेश्चन है कि 2 times 5 लिखा है, मतलब 2 × 5 और 5 + 5 लिख दिया। क्यों? क्योंकि 2 times 5 मतलब 5 को 2 बार लिखना है, 2 बार उसे ऐड करना है, दैट्स इट। ओके, ऐसे यहाँ भी देखो आपको प्रॉपर गिवन है। फिर आएगा टेल हाउ मेनी टाइम्स, अब बच्चों के लिए आपको गिन के बताना है हाउ मेनी टाइम्स है। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 6 times क्या था, 9 था। वैसे देखिए यहाँ पे क्या है, 8 जो है वो 3 times है, 3 जो है वो 5 times है, समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ आप बच्चों को ऐसे सिखाएंगे करना, फिर उसे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। ओके, तो सबसे पहला जो मुझे लगता है जो इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में वो है टेबल, क्योंकि बिना टेबल जाने ना बच्चा ये सब बिल्कुल नहीं कर पाएगा, है ना? उन्हें कैसे पता चलेगा, उन्हें तो नॉर्मली एडिशन ही तो आएगा। ओके, फिर आगे मूव करते हैं। अब ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स के फॉर्म में सिचुएशन दिए गए हैं, फिर क्वेश्चन है। जैसे कि रामू ने बॉट किया है यहाँ पे कितना, 4 packets biscuit लिए, ईच पैकेट में 4 biscuit प्रेजेंट है। तो क्वेश्चन ये है कि कितने बिस्किट्स रामू के पास हो गए, है ना? तो क्या हो गया आपका, वही कंसेप्ट लगेगा 4 × 4 = 16 वाला। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो 16 आ जाएगा, आप बोलोगे 4 times 4, सो हियर वी हैव व्हाट, 4 × 4 दैट इज 16। ओके, ऐसे यहाँ पे देख रहे होंगे वर्ड प्रॉब्लम गिवन है। तो वर्ड प्रॉब्लम के थ्रू आप कुछ सिनेरियो करिए, आप कुछ ऐसी एक्टिविटी करिए क्लास में कि यस बच्चों को काउंट करने का हो जाए। फिर आप ये भी बोलोगे कि आप काउंट नहीं करेंगे, आप कुछ अलग तरीके से मुझे बताएंगे, तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ रिपीटेड एडिशन के बारे में, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, अब यहाँ पे ये, अब ये मैं रीड करती हूँ जो मेन है हमारे लिए। आफ्टर चिल्ड्रन अटेम्प्ट वर्ड प्रॉब्लम, देखा वर्ड प्रॉब्लम सही है, देयर शुड बी अ डिस्कशन ऑन हाउ दे अराइव्ड एट देयर आंसर। यस, आपको डिस्कशन करना चाहिए कि वो अपने आंसर पे कैसे आए। ओके, दिस विल हेल्प चिल्ड्रन डेवलप अ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ मल्टीप्लीकेशन। समझ में आया? आपको ना बच्चे को, आपको यहाँ पे उनका कंसेप्ट डेवलप करना है मल्टीप्लीकेशन को लेकर, ऐसा नहीं है रटा दिया आपने, समझ रहे हैं ना आप? बच्चे को समझ में आया कि अच्छा यहाँ मल्टीप्लीकेशन लगेगा। जैसे आपको याद होगा जब आप एडिशन के वर्ड प्रॉब्लम्स कराते थे तो आप उन्हें बताते थे ना कि ये अगर ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई हैं कि ऑल टुगेदर कितना हुआ, कितना लेफ्ट हुआ, कितना रिमाइंडर हुआ, उस केस में हम क्या करते थे, हम वहाँ पे सब्ट्रैक्शन करते थे या फिर एडिशन करते थे, जो भी सिनेरियो। ऐसे बच्चों को ना वर्ड प्रॉब्लम पढ़ के समझना सिखाओगे। ओके, चलिए, तभी उनकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। अब आगे आते हैं हाउ मेनी टाइम्स टू। अब देखिए यही है आपका टेबल का इंट्रोडक्शन। यहाँ पे बात हो रही है कि 2 कितने बार लिखा हुआ है। सबसे पहले हमने 2 words को ले लिया, फिर देखिए 2 words और आ गई, तो ऐसे यही चीज़ को पूरा यहाँ पे देखिए प्रॉपरली लिख के कितने अच्छे से बताया गया है इस चार्ट में। और इस चार्ट के अच्छे हम बच्चे को इजिली टेबल सिखाएंगे, दैट इज 1 times 2, है ना? तो क्या हो गया, इस 2 होता है 1 × 2, वैसे ही 2 times 2 हो गया, मतलब 2 बार हम दो दो यहाँ पे वर्ड्स को देख रहे हैं, तो कितने हो गए, वो काउंट करेंगे 1 2 3 4, सो यू हैव 4। ओके, एंड सो ऑन। तो पूरा यहाँ पे एग्जैक्टली ये क्या है, ये एक टाइप का आप कह सकते हो टेबल का इंट्रोडक्शन है। टेबल कैसे आया आप ऐसे बताएंगे। अब मैं आगे मूव कर रही हूँ, अब है आपका जंप विद मी। अब क्या सिनेरियो, आइए देखते हैं। टरू जो फ्रॉग है वो जंप कर रहा है 3 steps each time। ओके, वो हर बार ना 3 steps को जंप कर रहा है, सो वी हैव टू टेल दैट विच नंबर विल टरू टच। अब यहाँ पे जो टरू है वो किस नंबर को टच करेगा। जैसे उसने यहाँ से शुरू किया 0 से, उसने 3 पे आया, अब 3 से फिर से प्लस करेंगे, फिर अब 6 पे आएगा, 6 में प्लस 3 करेंगे 9 पे आएगा, 9 में प्लस 3 12 पे, 12 पे प्लस 3 15, 15 में प्लस 3 करेंगे तो क्या आएगा 18, और 18 में प्लस 3 होगा तो 21। तो क्या बन गई, ये टेबल बन गई है 3 की। ओके, वही यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 1 3 3, 3 2 6, 3 3 9, 12 15। ओके, आई होप यू गॉट द आइडिया, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो टर्रू ऐसे ऐसे करके जंप करेगा। आप क्या कर रहे हैं, आप भाई टर्रू यहाँ पे 4 4 steps के जंप कर रहे हैं, तो क्या आ गई भाई, ये टेबल ऑफ 4 है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, बहुत सिंपल सिंपल चीज है, तो मैं इतना उसमें आपको वो नहीं कर रही हूँ, ठीक है, टेबल ऑफ 4 है। ठीक है, तो ये भी सारे पढ़ाने के तरीके अच्छे हैं, आप ऐसे चीज़ों को लेके या फिर जंपिंग को लेके आप काउंटिंग सिखा सकते हैं बहुत ईजिली, कि जब 4 4 gaps के पे जंप ले रहे हैं तो जिस जिस नंबर पे आ रहे हैं वो क्या हुआ। आप ऐसे बोलोगे कि टरू ने 2 बारी जंप करा है ना 4 4 steps को, मतलब 2 times जंप किया 4 4 gap को लेके, तो क्या बोलेंगे, हियर वी हैव 2 times 4 दैट विल बी कॉल्ड एज 8, ऐसे करके, है ना, इस तरीके से। फिर आएंगे आप देखो 7 times यहाँ पे टरू जंप कर रहा है, तो कि आप देख रहे हैं जंप करेगा तो 7 की पूरी पूरी टेबल यहाँ पे आपके सामने आ जाएगी। ओके, अब आगे आते हैं स्टिक प्ले।
स्टिक प्ले क्या है आइए समझते हैं. ओके, मित्तु हैड सम स्टिक्स, शी अरेंज्ड देम लाइक दिस. उसने कुछ स्टिक्स को इस तरीके से अरेंज कर दिया. वन टाइम फाइव क्या होता है? फाइव होता है. टू टाइम्स फाइव टेन. थ्री टाइम्स फाइव फिफ्टीन. फोर टाइम्स फाइव ट्वेंटी. देन शी काउंटेड हाउ मेनी टाइम द स्टिक्स वर क्रॉसिंग ईच अदर. जब उसने इस तरीके से अरेंज किया, उसने क्रॉस उसने काउंटिंग करके देखा कि कितनी बार ये जो स्टिक्स है वो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं. शी फाउंड कि यहाँ पे फोर मल्टीप्लीकेशन फाइव मतलब वो ट्वेंटी टाइम्स एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं. ओके, कैसे हुआ? अगेन आप देख सकते हैं वन टू थ्री फोर फाइव, है ना. फाइव यहाँ पे क्या है? फाइव आपके कॉलम्स है, फोर आपके रोज है. तो उसी के अब से यहाँ पे समझ में आया कि ट्वेंटी टाइम्स क्रॉस कर रहे हैं. इसको बच्चे काउंट करेंगे. देखिए वन टू थ्री फोर फाइव, यहाँ फाइव, यहाँ फाइव, यहाँ फाइव, यहाँ फाइव. इसको ऐड करेंगे. आइदर दे कैन डू द रिपीटेड एडिशन और दे कैन डू फोर टाइम्स फाइव, सो दे विल बी गेटिंग व्हाट? ट्वेंटी. ओके, चलिए आप यहाँ पे टू का टेबल देखिए इस तरीके से बनाने की कोशिश कर रहे हैं. बहुत अच्छा तरीका है ये. लैडर का फॉर्मेशन आपको दिख रहा होगा, है ना. इंटरेस्टिंग है ये. क्या किया? ऐसे लैडर को लेके आके आके लगा दिया प्रॉपरली. तो पहला मिल गया टू वन ज़ा टू. देखो यहाँ पे आ गया टू वन ज़ा टू, फिर आ गया टू टू ज़ा फोर, है ना. जब ये दो ले लिया, ये भी दो ले लिया. अब जब क्या, जब देखिए ये दोनों तो फिक्स है, लेकिन देखिए ये अब थ्री टाइम्स हो गया, फिर ये फोर टाइम्स हो गया, फिर ये फाइव टाइम्स हो गया. तो टू वाला तो फिक्स चल रहा है, देखिए ये वाला फिक्स कॉलम चल रहा है, लेकिन ये चेंजेस हो रहे हैं. जैसे जैसे हम इसको चेंज कर रहे हैं, वैसे वैसे हमारे पास यहाँ पे ये जो जिस पॉइंट पे ये लोग टच कर रहे हैं वो बढ़ता चला जा रहा है. ओके ना, अब आते हैं टीचर्स नोट पे. चिल्ड्रेन कैन बी गिवन 16 एंड 24 स्टिक्स टू अरेंज एंड एनकरेज्ड टू ट्राई डिफरेंट अरेंजमेंट लाइक 4 फॉर द 16, 8 टू द 16, 2 टू द 16 फॉर 16 स्टिक्स एंड 12 टू द 24, 8 थ्री द 24, 6 फॉर द 24, 4 थ्री द 24, 8 थ्री द 24, 12 थ्री द 24 फॉर 24 स्टिक्स. ये क्यों आ रहा है आपको पता है? ताकि बच्चे को ये बात समझ में आ जाए. सपोज करिए कि कोई बच्चा है, ठीक है, उसे 2 का टेबल अच्छे से आता है, उसे 8 का टेबल नहीं आ रहा है ना. अगर उसे पता है कि 2 टू 16 है, तो क्या वो 8 टू 16 नहीं ले सकता है? यही सारी चीजों को डेवलप करने के लिए आप ये बात जरूर बताएंगे कि हम लोग 16 को इस इन तरीकों से लिख सकते हैं, है ना. सबका सेम सेम है. वैसे ही आप बताओगे कि 24 स्टिक्स के सारे आंसर पॉसिबल हो सकते हैं. ओके, आई होप इट इज क्लियर इसी बात को समझाने के लिए. अब यहाँ पे कहा जा रहा है नाउ ड्रॉ स्टिक्स टू मेक द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टेबल ऑफ सिक्स. सिक्स का मल्टीप्लीकेशन टेबल के लिए स्टिक्स बनाने हैं. कैसे करेंगे? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स स्टिक फिक्स कर देंगे. पहले एक लेके जाएंगे तो क्या मिलेगा? सिक्स वन ज़ा सिक्स, ठीक है. देन एक और लेके जाएंगे तो क्या हो गया? दो हो गए ना यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? सिक्स टू ज़ा ट्वेल्व. इस तरीके से पूरा आपको मिलेगा. ओके ना, शॉपिंग विद टेबल्स. आइए देखते हैं शॉपिंग कैसे हो रही है, टेबल्स के साथ क्या हो रहा है. हाउ मच डू दीज थिंग्स कॉस्ट? ओके, हमसे बोला गया कि फोर टॉफीज कॉस्ट. यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक टॉफी का कॉस्ट कितना है? 2 रुपीज है. तो हमसे पूछा जा रहा है कि फोर टॉफीज का कॉस्ट कितना हो जाएगा? तो 4 टू 8 के बच्चे के लिए हिंट भी दिया गया. थ्री पेंसिल बॉक्सेस कॉस्ट कितना है भाई? एक पेंसिल बॉक्स का कॉस्ट है 10 रुपीज. 3 का कितना हो जाएगा? 10 थ्री 30. तो अब ये आप बच्चों को बताओ कि जब भी आप ऐसे करके कॉस्ट को वो पता करते हो, इन सारे एग्जाम्पल्स में आप जब शॉप पे जाते हो, डेली लाइफ के एग्जाम्पल भी आप दीजिए, तब आप मल्टीप्लीकेशन का कंसेप्ट का यूज करते हैं. फिर देखिए यहाँ पे भी बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए. अब ये कंप्लीट करना है बच्चे को पूरा का पूरा. यहाँ पे फॉलोइंग टेबल, ये पैटर्न को लिखना है और पैटर्न को देखिए कंप्लीट करना है. अगेन देखिए पैटर्न क्या दिख रहा है कि 3333 एडिशन हो रहा है. इसका मतलब जब हम ऐड करके पूरा लिखेंगे तो जो हमें पैटर्न दिखेगा ना वो क्या होगा? वो टेबल का पैटर्न होगा. ऐसे ये 5 का है, ये 4 का है, ये 10 का है, ये 2 का है. तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे एडिशन हुआ है, ठीक है, एक ही नंबर का बार बार. नाउ कंप्लीट द मल्टीप्लीकेशन ट्री. ये आपके सामने मल्टीप्लीकेशन ट्री. अब देखिए यहाँ पे कितना अच्छा समझाया गया कि जो 10 आ रहा है वो किसी किसके कॉम्बिनेशन से आता है. 2 5 से 10 आता है, 5 2 से 10 आता है, 10 1 से 10 आता है ना. हर तरीके से आपको क्या मिल रहा है? आपको 10 मिल रहा है. वैसे 12 का आप बच्चों को लिख के बताएंगे कि क्या क्या मिलता है. हमें सबसे पहले मिलता है 2 6 से 12, देन 6 2 से 12, देन 3 4 से 12, देन 4 3 से 12, देन 12 1 से 12, देन 1 12 से 12. ओके, ये सारे हमें पॉसिबिलिटीज प्रॉपरली मिलते हैं, ठीक है. देखिए सारे नंबर्स के लिए चलिए अब आगे आते हैं. हाउ मेनी इन ऑल? अब आपको बताना है ये पूरे कितने हैं. जैसे कि पहला क्वेश्चन है द अलमीरा हैज फोर शेल्फ. एक अलमीरा है उसमें फोर शेल्फ बने हुए हैं. फाइव बुक्स प्रेजेंट है एक एक शेल्फ पे, है ना. तो जब बच्चे यहाँ पे ऐड करेंगे तो उन्हें समझ में आएगा कि इसका मतलब मुझे फाइव 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 फोर टाइम्स ऐड करना है. तो या तो मैं इसे करने चलूँ ऐड, या तो मैं सीधे कंसेप्ट लगा दूँ मल्टीप्लीकेशन का, क्योंकि हम सेम नंबर को रिपीट कर रहे हैं. सो दे कैन राइट 20 बुक्स. समझ में आया
ऐसी सारी सारे वर्ड प्रॉब्लम आपको गिवन है। अब यहाँ पे देखिए अगेन कुछ मल्टीप्लिकेशन के फैक्ट है। अगेन आपके सामने टेबल दी गई है वन की, ओके वन टाइम्स वन दैट विल बी वन विद वन इन दिस वे, ओके ओवरऑल। फिर आ रहा है अब आपका मल्टीप्लाइंग बिग नंबर्स, यस। अब यहाँ से आपको समझना है जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसको मैंने अलग से वीडियो बना के बताया था आपको। ये क्या है स्टूडेंट्स, ये आपको बताना है कि कैसे वो बड़े बड़े नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर दो दो टॉफिस देनी हो टू ईच स्टूडेंट्स इन देयर क्लास और पूरे के पूरे 34 बच्चे हों, अब वो कैसे पता करेंगे कि वो कितनी ऑफिस लेके आए। तो आप देख रहे हो कितना अच्छा ये आपने एग्जांपल दिया जो कि उनके डे लाइफ से मैच कर रहा है, ठीक है। फिर क्या होगा यहाँ पे बच्चे लिखेंगे कि हाँ जी टोटल बच्चे इतने हैं, टू टॉफीज हैं, अब क्या किया जाए, इसके लिए मुझे करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, या फिर मैं टू 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 को ऐड करूं 34 बार, है ना, या तो मैं उसको ऐसे लिख दू 34 टाइम्स 2, ओके ना 34 टाइम्स 2 देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसको ब्रेक करके आप ऐड करना सिखाओगे क्या, कि 30 टाइम्स 2 लिख सकते हैं जो कि 60 आ गया, तो द आंसर इज मोर देन 60, हमें आइडिया लग गया। और 40 टाइम्स 2 क्या आ गया, 80 आ गया, और आंसर कैसा आएगा, लेस देन 80 आएगा। तो आंसर होगा क्या, जो एंड कह रही है ये बोल रही है आंसर होगा क्या, है ना, ये आपको गेस करना सिखाती है। तो फिर आएगा कि हाउ कैन वी फाइंड 34 टाइम्स 2, आप देखो क्योंकि ये बड़ा नंबर है ना। तो अब आप बच्चों को यहाँ पे सिखाओगे कि यहाँ पे इसी को मैंने बताया था आपको कि इससे बोलते हैं बॉक्स या फिर ग्रिड मेथड ऑफ मल्टीप्लीकेशन, ओके। सो यही आप बच्चों को सिखाएंगे कैसे करेंगे, वो बच्चे 34 को ब्रेक कर देंगे, ओके 34 को ब्रेक करके क्या लिखेंगे, 30 प्लस 4, ओके। जब ब्रेक कर देंगे तो यहाँ पे इसको लिख देंगे, अब 2 से काटना था मल्टीप्लाई, पहले करेंगे 2 30 का तो आ जाएगा 60, 2 4 का क्या जाएगा 8, फिर इसको ऐड कर देंगे। यही है क्या आगे लिखा हुआ है, यस। नेक्स्ट भारती ने ये लिखा, ओके। उसके बाद देखिए क्या हुआ, आंसर क्या आ गया आपका, आंसर आपका फाइनली आ गया यहाँ पे, जब आपने इसको ऐड किया तो 68 आ गया आंसर, ओके। तो वो दैट स्मार्ट, समझ में आया। तो इन दिस वे दे कैन डू द कैलकुलेशन, ओके। ऐसे देखिए यहाँ पे भी है कि एक पिकनिक है, वहां पे हर एक बच्चे को 4 फ्रूट्स देने हैं, ओवरऑल 23 बच्चे हैं, तो कितने फ्रूट्स ओवरऑल देने होंगे। फिर सारी वही बातें, आपने इसको ब्रेक किया 20 और 3 में, 20 प्लस 3 4 से मल्टीप्लाई किया एंड यू गॉट योर आंसर। अब आते हैं मूव करते हैं चैप्टर नोट्स में क्या लिखा हुआ है, ये समझते हैं। द एक्टिविटीज गिवन इन दिस चैप्टर आर डिजाइन टू डेवलप चिल्ड्रंस कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ मल्टीप्लीकेशन, समझ में आया। जितनी एक्टिविटीज है आपने जितने एग्जाम्पल देखे सब क्यों है, जो आपने आपने देखा लैडर वाले एग्जाम्पल सारे क्यों है, इसीलिए ताकि बच्चे का कंसेप्चुअल अच्छा हो मल्टीप्लिकेशन को लेके। द स्टैंडर्ड मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन लार्जर नंबर्स में भी एफिशिएंट, बट टीचिंग इट टू अर्ली में एक्चुअली हिंडर लर्निंग, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप बड़े बड़े नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन बच्चे को अब भी ऐसे सिखाओगे ना ये वाले मेथड से इस तरीके से, तो वो समझ तो जाएंगे लेकिन कहीं ना कहीं उनके पढ़ाई में वहां से रिकॉवर्ट आएगी उनके सीखने में। तो क्या कहा गया, द मेथड गिवन हियर बिल्ड्स ऑन चिल्ड्रंस ग्रोइंग सेंस ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड 3 डिजिट नंबर, क्लियर है। जब आप ऐसे बच्चों को सिखा रहे हो ना कि 2 डिजिट नंबर का मल्टीप्लीकेशन कर, 1 डिजिट नंबर का, इस तरीके से तोड़ के, क्यों, क्योंकि उन्होंने एक्सपैंडेड फॉर्म सीखा है, ओके। तो उन्हें वो ज्यादा इजी लगेगा एज कम्पेयर टू दिस वन। सो चिल्ड्रन शुड ऑल्सो बी एनकरेज टू एस्टिमेट द रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन, ऑफ कोर्स आपको बच्चों को अंदाजा लगाना भी सिखाना चाहिए कि क्या इसका आंसर आ सकता है। जैसे कि अभी आपने देखा था, उसको बताया था कि इसका आंसर जो है वो इससे ज्यादा होगा बट इससे कम होगा, है ना, 80 से कम होगा बट 60 से ज्यादा होगा। तो ये सारे जो एस्टिमेशन हो रही है सारे कौन सिखा रही है, इसमें एंट है ना, जो इस बुक में एंट है वो हमें आके हिंट देती रहती है। फिर अब बच्चों के यहाँ पे प्रैक्टिस है मल्टीप्लाई का, तो 22 मल्टीप्लीकेशन 3 वैसे ही करेंगे जैसे मैंने आपको बताया, 20 लिखेंगे फिर 3 लिखेंगे फिर 3 से इसको यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, है ना, ऐसे करके पहले इसको ब्रेक कर देंगे 22 को 20 और देन 2 और फिर 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 60 आएगा, 6 आएगा, तब बताएंगे आप ऐड करके कि 66 आएगा, इन दस में आपको सारे बताने हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं फर्स्ट गेस द आंसर एंड देन कैलकुलेट। अब फिर से वही वाली बात, पहले बच्चों को आंसर को गेस करना सीखना है, फिर उन्हें कैलकुलेशन करके बताना है। तो वही है, पूरा वर्ड प्रॉब्लम गिवन है कि एक फ्लावर है उसमें 5 पेटल्स हैं, सो अ फ्लावर अ बंच ऑफ फ्लावर्स हैज 13 फ्लावर, ओके। अ बंच ऑफ फ्लावर, एक बंच ऑफ फ्लावर है उसमें 13 फ्लावर्स है, आपको बताना है पूरे के पूरे पेटल्स कितने होंगे, है ना। अगर एक में 5 पेटल्स है, सोचिए ऐसे 13 फ्लावर्स है, तो 13 13 13 मतलब 5 5 5 आप जोड़ते चले जाओगे। तो हियर वी हैव व्हाट, हियर वी हैव 13 टाइम्स 5, ओके। सो क्या करेंगे, 13 टाइम्स 5 का मतलब क्या हो गया कि हमको करना पड़ेगा ये दोनों मल्टीप्लाई, तो अगेन वी विल यूज दिस वन बॉक्स मेथड और हम इजिली मल्टीप्लाई कर लेंगे, ओके। ये भी देखिए सारे के सारे वर्ड प्रॉब्लम ही आपको सामने गिवन है। अब आ गया था ये भी क्वेश्चन ही, अब आ गया था ये नया कंसेप्ट है, हाउ मेनी हियर वी हैव व्हाट, हाउ मेनी
इन 23 डजन। अच्छा, आपको को बताना है कितने होंगे 23 डजन में। तो यहाँ पे आपसे बोल रहे, जैसे कि आप बच्चे को नॉलेज दे रहे हो कि 1 डजन में क्या होते हैं, 12 बनानेज होते हैं, तो 23 में कितने होंगे, बच्चे ने मल्टीप्लीकेशन करके सीखा। ओके, ये चीज आपने यहाँ पे बच्चों को बताया। फिर से देखिए, गैसिंग वाला मेथड यूज हुआ है। आप कैसे करेंगे, आप एक बात और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आप इसीलिए क्या कर रहे हो, आप बच्चे को ना 2 डिजिट नंबर का जो मल्टीप्लीकेशन है वो भी आप सिखा रहे हो 2 डिजिट नंबर के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्लास थर्ड में जो मल्टीप्लीकेशन की बातें हो रही है तो टेबल सिखाई जा रही है 2 डिजिट का 1 डिजिट के साथ, 2 डिजिट का 2 डिजिट के साथ, ये सारी मल्टीप्लीकेशन आप सिखा रहे हो। जैसे कि 23 मल्टीप्लीकेशन 12, इसको भी आपने ब्रेक करना बच्चे को सिखाया प्रॉपरली। देखिए, ब्रेक किया तो ये आंसर आया, एंड दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल आंसर। ठीक है, अब आगे आते हैं। यस, नाउ ट्राई टू डू दिस वन। अब देखिए क्या है, अब बच्चे को दिया गया है कि आप 43 और 13 दोनों को मल्टीप्लाई करके बताइए कितना आएगा। तो अगेन पहले आप करने के पड़ेगा इसको आपको ब्रेक, जब आपने ब्रेक किया मल्टीप्लाई करेंगे देन यू हैव द आंसर। ओके, फिर यहाँ पे ऐड दी नंबर्स इन द बॉक्स। अब जितने नंबर्स आपने यहाँ पे लिखे हैं ना, इन सारे के सारे नंबर्स को आप बॉक्सेस में अपने ऐड कर देंगे। ओके, देन प्रैक्टिस टाइम अगेन आ गया, क्वेश्चन की प्रैक्टिस है। देखिए, दो दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन दो दो नंबर्स के साथ है। देन यहाँ पे देखिए मल्टीप्लीकेशन का पैटर्न आ रहा है। मल्टीप्लीकेशन पैटर्न क्या है, देखिए 9 में मल्टीप्लाई किया 1, 9 2 18, 9 3 27। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे बहुत अच्छा फैक्ट है, ये मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे आपको ना एक पैटर्न दिखेगा 9 के टेबल में, क्या दिखेगा आपको कि अगर हम लोग यहाँ पे इस नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, देखिए कैसे, ऑब्जर्विंग पैटर्न इन मल्टीप्लीकेशन टेबल डीपन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नंबर सिस्टम। ये आपको बच्चों को ना पैटर्न सिखाना चाहिए। कैसे, देखिए आपने लिखा 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27। आप देख रहे हो, जब आप इनके डिजिट्स को सम कर रहे हो ना, देखिए 1 प्लस 8 9, 2 प्लस 7 9, 3 प्लस 6 9, 4 प्लस 5 9, देख रहे हैं आप एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। ओके, वैसे जब आप यहाँ पे लिखोगे 9 6 54, अगेन यू वी हैव 5 प्लस 4 9, ओके एंड सो ऑन। आई होप इट इज क्लियर। देन बातें करेंगे यहाँ पे क्या, कंप्लीट द ग्रेड बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर्स। अब बच्चों को ना मल्टीप्लाई, देखिए क्या है, सिंपल सी बात है, 1 2 3 4 5 6 10 लिखा है पूरा, तो 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, ये क्या लिखा है, ये है आपका टेबल ऑफ 1, ये क्या है आपका टेबल ऑफ 2 एंड सो ऑन। ठीक है, क्लियर है, ये टेबल्स प्रॉपरली आपको लिख के बताया गया है। अब लुक एट द क्रॉस इन योर ग्रिड। अब देखिए, जो ये जो क्रॉस बनाया गया है ना, इसको आपको ध्यान से देखना है। इसमें भी आपको कुछ फैक्ट दिखेगा, क्या दिखेगा, जब आप इस नंबर्स को ऐड कर रहे हो ना, टॉप से बॉटम में और लेफ्ट से राइट में, तो आपको दोनों तरफ से क्या मिल रहा है, 18 मिल रहा है। ओके, दैट इज द टोटल इज सेम। लुक फॉर द अदर क्रॉसेस एंड कॉपी देम इन इन योर नोटबुक। अगर हम कोई और क्रॉस आइए लेके देखते, कोई कोई भी लेकर लाइए, ट्राई करते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे ले लिया, ये हमने क्रॉस को यूज किया, ठीक है, तो हम ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे कि हमें हमेशा जो एडिशन मिलता है टॉप से बॉटम और लेफ्ट से राइट, वो हमेशा सेम मिलता है जब भी हम कोई क्रॉस कर लेते हैं। ठीक है, तो आप ये प्रैक्टिस जरूर करके देखिएगा, तो आपको खुद भी समझ में, ये सारी चीजें पता है, आपको पता होने चाहिए, ताकि अगर आपसे इंटरव्यू ऐसा भी कुछ पूछ लें कि क्या आप कुछ बच्चे को इंटरेस्टिंग फैक्ट बता सकते हो मल्टीप्लीकेशन को लेकर, टेबल्स को लेकर, ताकि उन्हें और ज्यादा इंटरेस्ट है टेबल्स को पढ़ने में, तो आप ये सारे फैक्ट बताएंगे ना, बच्चे को बड़े अच्छे लगते हैं सारे ट्रिक्स फैक्ट। जब हमें अच्छे लगते हैं तो ऑब्वियसली बच्चों को तो अच्छे लगेंगे लगेंगे। ओके, देन यू वी हैव मार्क द नंबर्स 1 to 10 इन द सेम ग्रेड इन वन कलर। फिर आपको 12 to 20 को भी करना है इन द वन कलर, सिमिलरली 21 to 30 इन द थर्ड कलर। ओके, डू यू सी एनी कलर पैटर्न, फिल दिस स्पेस विच योर फेवरेट मल्टीप्लीकेशन टेबल इज। ओके, बच्चों को यहाँ पे फिल करना है। तो क्लियर है, आपको समझ में आया प्रॉपरली। तो ये पूरा गिवन था इस चैप्टर नंबर 20, यहाँ पे चैप्टर नंबर 9 में, जो कि था आपका हाउ मेनी टाइम्स। ओके, 22 पेज का चैप्टर था, चैप्टर थोड़ा लेंदी था, बट हमने इसको फटाफट फटाफट समझ लिया, मोस्टली एक्सरसाइज ही गिवन हुई थी। ठीक है, इसके वीडियोस आप जरूर देखेंगे, 4 पार्ट से मैंने ब्रेक करके दिया, आपको थंबनेल देख के समझ में आ जाएगा। 1 2 3 4 मैंने लिख दिया, इसलिए मेंशन कर दिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अगले चैप्टर के समरी की, दैट इज चैप्टर नंबर 10। ओके, प्ले विद पैटर्न्स। सो आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन। थैंक यू सो मच everyone for watching the video. Thank you.